सोशल मीडिया की जितनी खूबियां है उससे कहीं ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है। एक और इसके बढ़ते चलन से परिवार टूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराध भी तेजी से पनप रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोस्ती, प्यार और फिर रेप के किस्से अब आम हो चले हैं। ऐसा ही एक मामला औरंगाबाद की महिला के साथ भी हुआ। फेसबुक पर हुई दोस्ती रेप केस पर आकर खत्म हुई। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से चंदनगर क्षेत्र की गली नंबर 3 में रहने वाले कूलर का व्यवसाय करने वाले नावेद शेख से हुई थी। पहले से शादीशुदा नावेद ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया। दोस्ती गहरी हुई तो महिला उससे मिलने इंदौर आ गई। दोनों राजस्थान घूमने गए, करीब 2 माह तक साथ रहे। इसके बाद जब पीड़िता ने नावेद से शादी करने का कहा तो वह मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने औरंगाबाद में पुलिस को शिकायत की। मामला जब चंदनगर थाने पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी नावेद शेख को गिरफ्तार कर लिया। आइए अब जानते हैं टीआई अभय नेमा से पूरा मामला। महिला द्वारा औरंगाबाद कमिश्नरेट महाराष्ट्र में यह रिपोर्ट की गई थी कि चंदनगर के व्यक्ति द्वारा उसके साथ महिला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया था। तो घटना इस प्रकार की है कि वो जो महिला है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र की रहने वाली है। वहाँ से फेसबुक के द्वारा इनकी मित्रता हुई और यहाँ आकर चंद्रनगर में आकर उस युवक से मिली और उसके साथ उदयपुर राजस्थान चली गई थी। लगभग 2 माह साथ में रही और उसके बाद जब शादी करने की बात आई तो लड़के द्वारा मना कर दिया गया। तो इस पर उसने औरंगाबाद थाने में, बेगमपुरा थाने में रिपोर्ट की थी, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध होकर आया था, जिस पर आज थाना चंद्रनगर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल प्रस्तुत किया जा रहा है, न्याय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर आरोपी का क्या बैकग्राउंड है, क्या आरोपी कूलर का व्यवसायी और सुधार का कार्यकर्ता है, चंद्रनगर क्षेत्र का रहने वाला है और शादीशुदा है। बहरहाल फेसबुक के जरिए फ्रेंडशिप, प्यार और धोखे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके लोग इनसे सबक नहीं ले रहे हैं। इस केस में भी बिना सोचे समझे महिला को ऑनलाइन दोस्ती इस कदर भारी पड़ी कि उसकी जिंदगी ही तबाह हो गई।